दही हांडी का मौका है और महाराष्ट्र की घाटकोपर की दही हांडी का जिक्र ना हो ये तो मुमकिन नहीं है। देश के सबसे बड़े दही हांडी महोत्सव में मौजूद हैं, उसके आयोजक राम कदम हमारे साथ हैं। कदम जी, आपके दही हांडी की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में हो रही है, इस बार क्या कुछ खास कर रहे हैं आप अपने दही हांडी में? भारत की सबसे बड़ी ये मटकी घाटकोपर में पिछले 15 साल से लग रही है। माँ बाप ही ईश्वर है और अपना स्वास्थ्य ही संपत्ति है, असली संपत्ति। यह संदेश लेकर के ये मटकी आई है। सभी नेता आएंगे, अभिनेता आएंगे, एक तरफ मनोरंजन और दूसरी तरफ हर घर में जाकर सर के बाल से लेकर के पाँव के नाखून तक पूरे बॉडी का चेकअप और उसके बाद आवश्यकता होने पर मुफ्त में उनके ऑपरेशंस करके देने का हमारा मिशन इस दहांडी के माध्यम से हम कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से हजारों लोगों के मुफ्त में ऑपरेशन कराए, पर केवल भगवान कृष्ण के जन्म का ये उत्सव करके हम नहीं मनाते। ये उत्सव तो है, इसके साथ साथ समाज का हम कैसा भला कर सकते हैं, उन भी चीज़ों को जोड़ करके ये हम मटकी बना रहे हैं। मैं हर साल आपकी दही हंडी में आती हूँ, इस बार पोस्टर पर मेरा ध्यान बहुत गया, फडणवीस जी के नाम के नीचे देव मानुष लिखा है, इसके पीछे की क्या वजह है? मैं भगवान इंसान है और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर व्यक्ति विशेष विरोधी दल का भी शायद मीडिया के कैमरा के सामने नहीं कहेगा, और उसको भी अगर अकेले में पूछा जाए तो वो भी देवेंद्र जी के बारे में देव मानुष करके ही बोलता है। दही हंडी की तो बात हो रही है लेकिन राजनीतिक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो कल जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी उसको लेकर विपक्ष बहुत राजनीति कर रहा है, मुद्दा बना रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जो हादसा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी को दुख हुआ है, पर कौन सी बात की राजनीति करनी चाहिए इस बारे में विपक्ष ने सोचना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे है, पर इस विषय को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणियां उनकी ओर से आई है, किसी को छोड़ना नहीं है। इस प्रकार जो भी जिम्मेदार है किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। पर विपक्ष ने इस बात का इसको सियासत में खींचना क्या उनको शोभा देता है, इस पर चिंतन होना चाहिए। भाजपा ने एक और दही हंडी का आयोजन किया है जिसमें अफजल खान का वध दिखाया जाएगा, उस पर भी विपक्ष एक तरह से सवाल खड़ा कर रहा है। इतिहास के पन्ने अगर पलट करके देखो तो अफजल खान ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आकर उसका रवैया था और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मारने का उनका षड्यंत्र था, तो इतिहास के पन्नों पर है। जो इतिहास के पन्नों पर है वो दिखाने से अगर किसी को कुछ क्षति होती है तो उनकी मानसिकता क्या है वो पता चलेगा। तो देश की सबसे बड़ी दही हांडी इसको कही जाती है, तस्वीर आपको हाथ से दिखाएंगे कि मंच पर हम मौजूद हैं और यहाँ लोगों का इकट्ठा होना जुटना शुरू हो गया है और लगातार जो भीड़ है वो यहाँ बढ़ती जा रही है। हांडी की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हांडी जो है वो क्रेन के जरिए कई फीट ऊपर लगाई गई है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र की संस्कृति में ढोल ताशा का अलग महत्व है, तो जो ढोल ताशा वादक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी, घाटकोपर का ये प्राइम इलाका माना जाता है, हर साल यहाँ पर दही हांडी का कार्यक्रम होता है, तो यहाँ देश की सबसे बड़ी दही हांडी लगाने का दावा किया जाता है। पोस्टर्स भी लगे हैं, पोस्टर्स पर अगर आप पढ़ें तो उस पर लिखा गया है भारतातील सर्वात मोटी दही हांडी, यानी कि देश की सबसे बड़ी दही हांडी यहां पर की जाएगी और ऐसे में तमाम राजनेता से लेकर अभिनेता यहां पर पहुंचते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दही हांडी देश की सबसे बड़ी दही हांडी के तौर पर ये केंद्र बनता है। म्यूजिक, ढोल ताशे और तमाम सांस्कृतिक गानों के साथ यहाँ पर आपको अभिनेता, नेता, हर कोई झूमता नाचता गाता दिखाई देगा, लेकिन महाराष्ट्र का हर एक कार्यक्रम राजनीति से भी जुड़ा होता है और ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर भी पोस्टरबाजी, बयानबाजी, तमाम तरह की चीज़ें इस दही हंडी के कार्यक्रम में देखने मिलती हैं। ऐसे में आज हर जगह दही हंडी का रंग जो है वो राजनीति के रंग से भी मिला हुआ देखने मिल रहा है। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP News, मुंबई। We'll be right back.
for exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.